नमस्कार, आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट तालुक से मैं रवि तिवारी और मेरे साथ हैं टेट विशेषज्ञ हिंदी विशेषज्ञ अमृत शुक्ला सर। नमस्कार। हम लोग आज टेट पर महत्वपूर्ण बात करने के लिए आए हैं। मेरी आवाज़ कुछ भारी है, थोड़ा सा इन्फेक्शन है, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, 1 नवंबर से आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, यानी आज से आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, और आपकी जो परीक्षा तिथि है वो 22 दिसंबर है। अगर मोटा मोटा कैलकुलेशन किया जाए तो लगभग लगभग आज से 40 दिन का समय आपके पास शेष है, क्योंकि 15-15 तारीख से आप लोग पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो आप यही मानिए कि जो पढ़ाई के आपके दिवस हैं वो 12 तारीख तक ही हैं और 12 दिसंबर तक ही लगभग आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो आज से अगर हम कैलकुलेशन को देखें तो आज से उल्टी गिनती आपकी परीक्षा की शुरू हो जाती है, और एक परीक्षार्थी के लिए ये जो अंत का समय होता है वो सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। हमारी संस्था में टेट के 2 बैच संचालित हो रहे हैं। एक बैच लगभग लगभग अपने आप को पूर्ण करने की ओर अग्रसर है और उसमें 90% सिलेबस आपका समाप्त हो चुका है और कुछ दिनों में उसमें प्रैक्टिस सेशंस आपके शुरू हो जाएंगे। एक हमने टेट का क्रैश कोर्स शुरू किया था जो कुछ ही दिन पहले शुरू हुआ है, वो 40 से 45 दिन का बैच है। लगातार आप लोगों के फोन कॉल्स और मैसेज संदेश हमें मिल रहे थे एडमिशन के लिए। बार बार बैच में एडमिशन और प्रवेश प्रक्रिया खोली नहीं जा सकती, तो 3-4 दिनों के लिए हम लोगों ने प्रवेश प्रक्रिया को आज से खोला है। नोटिफिकेशन जो आया है उसके बारे में क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है। 120 अंक के टारगेट को हम लेकर चल रहे हैं। 120 से ज़्यादा अंक कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं, इस पर पहले भी हम लोगों ने वीडियो बनाए थे, किताबों को लेकर भी बनाए हुए हैं और रणनीति को लेकर भी बनाए हुए हैं। क्योंकि आज मैं बहुत नहीं बोल पाऊंगा तो टेट के विशेषज्ञ अमृत शुक्ला सर मेरे साथ हैं, वो पूरी जानकारी आपको देंगे। और उनके अनुभव में बहुत सारे लोग टेट सी टेट में और शिक्षक भर्ती में सिलेक्ट हुए हैं, तो उनके जो अनुभव हैं उनके अनुभवों का जो है आज आप लोग लाभ लीजिएगा। मैं बहुत ज़्यादा बात इस पर नहीं करूँगा। तो कैसे आप प्रवेश ले सकते हैं ये भी आपको अमृत सर बताएंगे। प्रवेश लाइन कैसे खुली हुई है आज से ये भी आपको जानकारी देंगे, कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं। क्या आपका, आप भले एडमिशन लें हमारे यहाँ एडमिशन ना लें, आपके अगले जो 40 दिन की है वो रणनीति क्या होनी चाहिए उस पर भी सर आपसे बात करेंगे। और इस बार का जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया है पिछली बार के फॉर्म भरने की प्रक्रियाओं से थोड़ी सी अलग है, तो इस फॉर्म भरने की प्रक्रिया में आपको क्या सावधानी बरतनी है, क्योंकि यहाँ पर आपकी गलती की गुंजाइश बहुत कम है। आपकी छोटी छोटी गलतियाँ और जो है आपके समय को भविष्य को दोनों को जो है दिक्कत में ला सकती है, इसलिए पूरी गंभीरता से सावधानियों को सुनते हुए आप फॉर्म को फिलअप करें। तो मैं अमृत शुक्ला सर से अनुरोध करूंगा कि सर आगे की पूरी बात आपसे करें और जो है आपको बताएं जो सार गर्भित हो आपकी तैयारी के लिए, रणनीति के लिए, हमारे बैच के बारे में जो हमारा संचालित हो रहा है, अभी बहुत नहीं निकला है, कैसे प्रवेश ले सकते हो, इन 40 दिनों में लगभग लगभग आपको क्या करना है। बिना प्रवेश के अगर आप घर पर पढ़ रहे हैं और अगर आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो कैसे आपको कार्य करना है कि आप निश्चित रूप से सफलता को अर्जित कर सकें। हम लोगों का यही उद्देश्य है कि आप निश्चित रूप से सफल हो। अब अमृत सर आपको अमृत सर। धन्यवाद सर। नमस्कार। टारगेट विथ आलोक ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैं हूं अम्बरीश शुक्ल। मित्रों, आज यूपी टेट के फॉर्म भरने का पहला दिन है। कहे तो आज से उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, और उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है इसलिए शंखनाद भी करना बहुत आवश्यक है। शंखनाद कहने से तात्पर्य है कि यूपी टेट की परीक्षा में इस बार आप सफल कैसे हो, और इस बार आप सफल नहीं हुए तो क्या आपको दिक्कतें आएंगी। वैसे तो मैं चाहता हूं, मेरा संस्थान चाहता है कि जितने भी लोग यूपी टेट की परीक्षा दें सब के सब सफल हों, लेकिन ऐसा हो पाना संभव नहीं होता है कि 100% रिजल्ट जाए। हम लोग 100% रिजल्ट के लिए हमेशा काम करते हैं कि आपको 100% सफलता दिलवा सके। पिछले वर्षों में यूपी टेट और शिक्षक भर्ती में हम लोगों ने बहुत अच्छा किया, जिसका रिस्पांस लगातार हम लोगों को मिल रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दोबारा भी यूपी टेट की परीक्षा देंगे, वो अपने अंकों को और बढ़ाना चाहते हैं। क्यों अंकों को बढ़ाना चाहते हैं? क्योंकि इस बार नई शिक्षा नीति आ गई, और नई शिक्षा नीति में 1/4 या 25% या जो भी हो सके वह अंकों को, मतलब यूपी टेट के 1/4 अंकों को मुख्य परीक्षा में सुपर टेट के अंकों में जोड़ा जाएगा, या जो शिक्षक भर्ती होगी उसमें जोड़ा जाएगा। इसलिए यूपी टेट में प्रतियोगिता अधिक बढ़ गई है कि कितने अधिक अंक ज्यादा अर्जित किए जाएं। तो इस प्रतियोगिता में कम समय बचे हैं लेकिन पर्याप्त समय बचे हैं। अगर अभी से आप
लग जाएं तो 120 से प्लस अंक आपको मिल जाएंगे। लेकिन एक चीज सबसे खास बात क्या है, यदि आपका फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया तो आपको 120 अंक कैसे मिलेंगे? जी हां, मैं बात कर रहा हूं जिस दुर्दशा से छात्र गुजरे हैं, लगातार मैं खुद जाकर पीएनपी पे धरना प्रदर्शन किया हूं, जिसके बाद और लोगों को मौका देना शुरू कर दिया आयोग ने। अगर इस बार आप गलती कर देते हैं तो आपको पहली चीज यह है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है, किस तरह से आपको फॉर्म भरना है, किस तरह से तैयारी करना है, नोटिफिकेशन क्या है, परीक्षा का प्रारूप क्या है, नया पैटर्न क्या है, एग्जाम किस तरह से होगा, कठिनाई का स्तर क्या रखा गया है, इस पूरी बातचीत के लिए मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं। तो ये आगे के 5 से 7 मिनट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो कृपया साथ बने रहिए। निश्चित तौर पर एक ही वीडियो में यूपीटेट 2019 की संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी और नई शिक्षा नीति में यूपीटेट की क्या भूमिका होगी वह भी आप लोग जान लेंगे, क्योंकि नई शिक्षा नीति जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 जारी हो चुकी है और इसमें यूपीटेट की क्या भूमिका रहेगी यह भी आप लोग जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सीधा नोटिफिकेशन से। नोटिफिकेशन आ चुका है और नोटिफिकेशन जो है यह ऑफिशियल है और इसमें बात की गई है कि आज से फॉर्म भरे जाने शुरू होंगे। तो अभी वेबसाइट आज के डेट में शुरू हो जाएगी चलना और वो किस तरीके से चलेगी वो आप सब देखेंगे। इस बार दोनों फॉर्म आप लोग साथ साथ भर सकते हैं। पिछली बार क्या था कि यूपीटेट प्राथमिक स्तर और माध्यमिक स्तर का फॉर्म आपको अलग अलग भरना पड़ता था, अलग अलग पेमेंट करना पड़ता था, लेकिन इस बार सीटेट के पैटर्न पर इन्होंने एक साथ फॉर्म भरने की व्यवस्था कर दी है। केवल एक कॉलम आपको बढ़ाना पड़ेगा कि सीटेट के जैसे ही आपको यहां पर प्राइमरी एंड जूनियर बोथ कर देना है और एक फीस आपकी साथ में कट जाएगी। जनरल कैंडिडेट्स हैं 1200 रुपए। तो इस प्रकार से व्यवस्था इन्होंने कर दिया है। अगर फॉर्म भरने के लिए देखें तो क्या क्या चीजें आपके लिए आवश्यक होनी चाहिए। परीक्षा करवाने के लिए नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है लगभग आप लोगों के पास पहुंच चुका होगा। इस नोटिफिकेशन में हम केवल उन्हीं चीजों पर बातचीत करेंगे जो चीजें आपको हमेशा परेशान कर रही हैं। सबसे पहला प्रश्न आप सबका होता है कि कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं यूपीटेट का। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि भाई अपेयरिंग वालों को भी फर्स्ट सेमेस्टर ही माना जाएगा। अगर फर्स्ट सेमेस्टर में प्रथम वर्ष में कोई प्रवेश लिया है तो उसको अपेयरिंग में माना जाएगा, लेकिन वो संस्था अगर कहती है तब। लेकिन इस संस्था जो परीक्षा कंडक्ट करवा रही है, परीक्षा नियामक प्राधिकरण उत्तर प्रदेश, इसने जो अपेयरिंग का क्राइटेरिया निर्धारित किया है, जो एक वर्ड यूज किया सुप्रीम कोर्ट ने, पार्सुइंग वर्ड, तो उसको उन्होंने कहा है कि अगर कोई लास्ट ईयर में है या लास्ट सेमेस्टर में है तो वही इसका फॉर्म भर सकता है। तो लास्ट ईयर लास्ट सेमेस्टर का मतलब होता है कि आपने लास्ट ईयर में एडमिशन लिया है या एग्जाम दिया है, लास्ट सेमेस्टर में आपने एडमिशन लिया है या आपने एग्जाम दिया है, ऐसी स्थिति में आप अपेयरिंग स्टूडेंट माने जाएंगे और आप यूपीटेट का फॉर्म भर सकते हैं। अब एक और द्वंद है कि कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं, तो बीएड, बीटीसी, डीएलएड और जितने भी तरह के इसके समकक्ष कोर्सेज हैं वो सभी लोग प्राथमिक और जूनियर दोनों में फॉर्म भर सकते हैं। फिर से सुन लीजिए, बीएड या बीटीसी आप कुछ भी हो, प्राथमिक और जूनियर दोनों में ही आप फॉर्म भर सकते हैं, दोनों की एलिजिबिलिटी आपको दी गई है। अब जो अगली बड़ी बात यह है कि बीएड को बाहर कर दिया गया, तो ऐसा कोई भी सूचना नहीं है, बीएड अंदर है और वो फॉर्म भर सकते हैं। बीटीसी वाले भी फॉर्म प्राथमिक और जूनियर दोनों भर सकते हैं। अब दूसरी, इसमें इस बार क्या किया गया है कि कठिनाई का स्तर इस बार बढ़ा दिया गया है। इस बार जो कठिनाई का स्तर यूपीटेट में कर दिया गया है वो 12वीं स्तर का कर दिया गया है। कठिनाई का स्तर बदलने के साथ साथ पैटर्न भी चेंज हो गया है। पैटर्न चेंज होने का मतलब होता है किस बार जो यूपीटेट की परीक्षा आयोजित होगी उसमें सबसे खास बात क्या रहेगी। सबसे खास बात रहेगी कि परीक्षा में कठिनाई का स्तर बदला जाएगा और सीटेट के जैसे पैडागॉगी के क्वेश्चंस बढ़ाए जाएंगे। तो जितने भी विषय हैं सब में पैडागॉगी के क्वेश्चनों की बढ़ोतरी की जाएगी, साथ ही साथ उनकी कठिनाई का स्तर बढ़ाया जाएगा और जो प्रश्न पूछने का प्रारूप है जिसको न्यू पैटर्न कहते हैं, वन मोर देन ऑप्शन आपके यहां रखे जाएंगे। मतलब एक ही प्रश्न के चारों ऑप्शन सही हो सकते हैं, एक ही प्रश्न के दो ऑप्शन सही हो सकते हैं, एक ही प्रश्न के तीन ऑप्शन सही हो सकते हैं, ए बी सी दोनों सही हो, तीनों सही हो सकते हैं, ए बी दोनों सही हो सकता है, कुल मिलाकर एक से अधिक उत्तर सही हो सकते हैं। यह है आपका यूपीटेट का न्यू पैटर्न। अब एक बात यह आती है कि भाई आप लोग हमारे यहां अगर प्रवेश लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं। उसके लिए हमने एक बहुत बड़ी योजना तैयार किया है, एक नया पाठ्यक्रम जो हमारे यहां आया हुआ है। पाठ्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं, केवल पैटर्न में परिवर्तन थे। जो लोग हमारे नए बैच में एडमिशन ले सकते हैं उनके लिए पूरी लाइनें खुली हुई हैं। 3 से 4 दिन आपके लिए ये बैच खोल दिया गया कि आप प्रवेश ले सकते हैं। ये बैच बहुत पुराना नहीं है, बहुत थोड़े दिन पहले शुरू हुआ था। कई विषय ऐसे हैं जो शुरुआत ही नहीं हुए, विषय पढ़ा
पढ़ाए ही नहीं गए हैं। आप अगर हमारी संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमको ये बताने की आवश्यकता नहीं कि हमारी संस्था की साख क्या है, हमने कितनी सफलताएं दी हैं, यह कोई बताने की आवश्यकता नहीं, आप सब जानते हैं। पूरे भारत में आप कह लीजिए कि उत्तर प्रदेश में यूपी टेट को पढ़ाने वाला एकमात्र संस्थान है जो कि लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए लाइव कक्षाएं आपको प्रोवाइड करवाता है, आपको पुरानी कक्षाएं प्रोवाइड नहीं करवाता है, यह हमारी खासियत है। तो जो कक्षाएं आपकी इस बैच में चल चुकी हैं वो आपको मिल जाएंगी पहले ही, और जो कक्षाएं लाइव मिलेगी आप प्रतिदिन आप लाइव कक्षाएं ले सकते हैं, डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और सारगर्भित नोट्स हमारे द्वारा दिया जाता है, वो बहुत अच्छा होता है। तो हमारे नोट्स का बखान तो सभी लोग करते हैं, एक बार आप नोट्स देखेंगे तो अवश्य तौर पर आप सभी करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं जो हमारे व्हाट्सएप नंबर है, जो कॉल नंबर है, इस पर आप कभी भी फोन कर सकते हैं, जो ऑफिशियल टाइम है उस पर व्हाट्सएप आप फोन कर सकते हैं, और हमारी जो कस्टमर केयर है या जहां पर जो काउंसलर्स हैं वो आपको संपर्क करेंगी, आप उनसे बात कर सकते हैं और हमारे यहां प्रवेश ले सकते हैं। ये आप कई नंबर देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, मैं थोड़ा सा बगल हो जाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन्हीं नंबरों पर आप फोन भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ये कई नंबर दिए गए हैं, ये नंबर आपके स्क्रोलिंग पर भी आपके चलते रहेंगे, इस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं, वहां से भी नंबरों को ले सकते हैं। अगर हम बात करें नोटिफिकेशन में, तो नोटिफिकेशन में इस बार क्या परिवर्तन किया गया है, वो किया गया है कि इसके पैटर्न में मैंने बता दिया, क्वेश्चंस के पैटर्न में और इनके कठिनाई के स्तर में परिवर्तन किया गया है। सबसे बड़ी बात, एक प्रश्न आपका उठता है कि सर इस बार फॉर्म में किस तरह की सावधानियां बरते, किस तरह की सावधानियां हमको बरतनी है। देखिए फॉर्म को 4 से 5 स्टेप्स में बांटा गया है, आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, माता पिता का नाम, इसमें कोई भी गलती नहीं करनी है। अगर इसमें गलती कर देते हैं तो बाद में यूपी टेट आप पास भी हो जाते हैं तब भी उसमें कोई संशोधन नहीं हुआ। मेरे जान में एक ऐसा मैटर आया कि जिसमें यूपी टेट पास हैं वो शिक्षक भर्ती में शामिल हुए थे, 68,500 में नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उनके तनख्वाह का भुगतान इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि उनके यूपी टेट के मार्कशीट में गड़बड़ी थी। तो इसलिए किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, इसलिए फाइनल सबमिट करने से पहले अपने पूरे फॉर्म को चेक कर लीजिए। एक चीज और ध्यान रखना कि जो आपको फोटो लगाना है, फोटो के नीचे सिग्नेचर होना चाहिए, फोटो और जो उसका सिग्नेचर है दोनों स्कैन करके ही आपको लगाना है। अगर आप ऐसा नहीं लगाते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दूसरी चीज यह है कि आपको जो भी नाम गलत सही जो भी है, हाई स्कूल के मार्कशीट में, हाई स्कूल के जो सर्टिफिकेट में जो भी डिटेल्स आपकी दी गई है, उन्हीं डिटेल्स को ही आपने फॉर्म में भरना है। हो सकता है कि हाई स्कूल से बीए में नाम अंतर हो, हाई स्कूल से इंटर में नाम में अंतर हो, तो नाम, पिता का नाम, आपके डेट ऑफ बर्थ जो भी है, हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में जो भी दिया गया है, केवल उसी को ही आप फॉर्म भरते समय सबमिट करेंगे। दूसरी चीज क्या है कि एक से अधिक फॉर्म भी आप भर सकते हैं। मान लीजिए पहला फॉर्म आपने भरा और गलत हो गया, आपने पैसा पेमेंट कर दिया, तो पैसे का मोह मत करिएगा, दोबारा फॉर्म भर दीजिएगा, क्योंकि आप एक बार फॉर्म नहीं भरेंगे तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अगर कोई गलती आपको बारीक से बारीक गलती भी पकड़ में आ जाती है तो फॉर्म आपको दोबारा भर देना है। एक चीज ध्यान में रखना है कि जिस मोबाइल नंबर से आपने एक बार फॉर्म भर दिया उस मोबाइल नंबर से दोबारा फॉर्म नहीं भर सकते हैं, क्योंकि जो वन टाइम पासवर्ड, जो ओटीपी जनरेट होती है, वह एक मोबाइल नंबर से केवल एक बार जनरेट होती है। तो एक मोबाइल नंबर से एक बार ओटीपी जनरेट होगी, इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि आपके पास 2 मोबाइल या 3 मोबाइल नंबर हो जिसमें पर्टिकुलर नेटवर्क रहता हो, पर्टिकुलर काम करते हो, और आपके पास वो मोबाइल नंबर रहना चाहिए, क्योंकि शुरू से लेकर अंत तक एग्जाम से संबंधित जितने भी नोटिफिकेशन, जो भी सूचनाएं दी जाएंगी आपके मोबाइल नंबर पर ही दी जाएंगी। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो भी मोबाइल नंबर आपके पास हो वो संचालित अवस्था में हो, एक से अधिक मोबाइल नंबर आपके पास होने चाहिए। इनकेस अगर आपका फोन नंबर गलत हो गया या आपका फॉर्म गलत हो गया भरने में, तो दोबारा ओटीपी मंगाने के लिए आपके पास एक फ्रेश नंबर होना चाहिए। तो ये तो हो गया ओटीपी सिस्टम। दूसरी खास बात इस बार क्या रखी गई है कि फॉर्म में कोई भी सुधार नहीं होगा, वो फॉर्म आपका सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये तो फॉर्म भरने में आपको सावधानियां रखनी है। बाकी जैसे आपका जो आय प्रमाण पत्र नहीं लगना है, निवास प्रमाण पत्र नहीं लगना है, जो आपका जाति प्रमाण पत्र लगना है वो आपका अद्यतन होना चाहिए। तो 6 महीने के अंदर का अगर जाति प्रमाण पत्र है तो बहुत अच्छा है, या तो कम से कम वो ऑनलाइन आप अगर आप जाके सेवा योजन कार्यालय पे या जो हमारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं उसमें सिंगल विंडो पे आप चेक करना चाहें तो वो डिटेल्स उसके उसमें मौजूद होने चाहिए। ऐसे ही जाति प्रमाण पत्र आप उसमें सबमिट कर सकते हैं। तो ये सावधानियां रखनी। दूसरी खास बात यह है कि वो लोग भी जो प्रश्न पूछते हैं कि सर मेरा ग्रेजुएशन में 45% है, तो आप अगर पीजी किए हैं
यदि आप पीजी किए हैं और पीजी में आपका 50% है और पीजी के अनुसार आपने बीएड किया है, तब भी आप यूपीटेट का फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे लोग भी यूपीटेट का फॉर्म भर सकते हैं जो 45% से या इससे कम है, तो वो लोग फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने बीएड किया अर्थात वो किसी कैटेगरी में है, एससी या एसटी कैटेगरी में आते हैं, वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। बाकी उत्तर प्रदेश के बाहर के लोग भी यूपीटेट का फॉर्म भर सकते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग भी यूपीटेट का फॉर्म भर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति दोनों में फॉर्म भर सकता है, एक से अधिक फॉर्म भर सकता है, लेकिन एक से अधिक फॉर्म भरने की अवस्था में आखिरी वाला फॉर्म ही आपका माना जाएगा, उसके पहले जितना भी फॉर्म आपने भरा है वो कैंसिल हो जाएगा। आपसे डिटेल पूछी जाएगी कि आप कहां पर सेंटर लेना चाहते हैं, तो सेंटर के लिए अगर ऑप्शन आता है तो सेंटर भर दीजिए, नहीं तो आप अपना गृह जनपद जो होम एड्रेस है वो एड्रेस डालिएगा, क्योंकि उसी के अनुसार आपको जो एग्जाम सेंटर अलॉट होंगे वो एग्जाम सेंटर अलॉट किए जाएंगे। तो ये खास जानकारी थी यूपीटेट को लेकर। अब दूसरी खास जानकारी क्या है कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि सर हम एडमिशन कैसे लें, हम एडमिशन लेने की प्रक्रिया के विषय में जानना चाहते हैं। तो एडमिशन लेने की जो प्रक्रिया हमारे यहाँ है बहुत आसान है। वो कैसे है, ये हमारे मोबाइल नंबर है, इस नंबर पर आपको एंट्री लिख के भेजनी होती है। बहुत ही आसान प्रक्रिया है, अपना मोबाइल फोन उठाइएगा, मोबाइल फोन में ये अपना मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसको सेव कर लीजिएगा। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे लिख कर भेजेंगे एंट्री टेट, और ये नंबर क्या है आप देख लीजिए, 8382966779। अगर हिंदी में कहें, शब्दों में कह लें, तो है 83 82 96 67 79। इस नंबर पर आप यूपीटेट एंट्री लिखकर मुझे भेज देंगे और मेरी टीम आपसे संपर्क कर लेगी। आप लोग हमारे पर विश्वास किए, हमने एक बैच लगभग 99% सफलतापूर्वक समाप्त किया, उसमें प्रैक्टिस करवाना है, कुछ विषय भी बाकी रह गए हैं 10-5%, उसको भी कवर करवाना है। दूसरा बैच अभी रिसेंटली शुरू हुआ है, तो उसमें आप सबको प्रवेश दिया जाएगा और आप लोग पढ़ने के बाद एक अच्छा माहौल महसूस करेंगे, एक साथ इतने लोगों के साथ पढ़ेंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मित्रों, लगभग सभी जानकारियों पर, सभी पहलुओं पर मैंने बातचीत कर लिया है, पाठ्यक्रम कुछ भी परिवर्तित नहीं हुआ है। जब भी हमारे अध्यापक पढ़ाने आएंगे, जो भी विषय पढ़ाने आएंगे, अपने विषय से संबंधित जो भी परिवर्तन हुआ, जो भी पैटर्न चेंज हुआ है, जो भी उसमें प्रश्नों के कठिनाई का स्तर बदला गया है, जो भी वो वन मोर देन ऑप्शन जोड़ा गया है, उस पर वो विस्तृत चर्चा करेंगे जब आप प्रवेश ले लेंगे उसमें भी। तो जो लोग प्रवेश नहीं ले पा रहे हैं, जो लोग प्रवेश नहीं लेंगे, उनके लिए भी हमारी टीम कुछ ना कुछ करती रहेगी, कभी ना कभी गाइडेंस के लिए हम लोग आते रहेंगे, तो कुछ ना कुछ सहायता के लिए आपके साथ हम उपलब्ध रहेंगे। लेकिन जो लोग प्रवेश लेते हैं उनके लिए पूरी संबद्धता के साथ हम लोग लगे हैं और निश्चित तौर पर सफलता के करीब लाएंगे। 40 दिन नोट कर लीजिए, 40 दिन 120 अंक। अब मैं 40 का विभाजन करके आपको दिखा देता हूं, 40 दिन आपके पास हैं और आपके पास जो कुल विषय हैं लगभग 5 अनिवार्य विषय हैं। 5 अनिवार्य विषय में अगर हम इसका गुणा करें तो 10 × 50 होता है, 10 दिन पर अगर 9 से गुणा करेंगे तो 45 होता है, 8 से गुणा करेंगे तो 40 होता है। मतलब एक विषय के लिए आपके पास केवल 8 दिन का समय है और एक विषय में लगभग 10 चैप्टर हैं, मतलब एक चैप्टर के लिए एक से भी कम दिन का समय है। इसलिए आप लोग सजग हो जाइए कि 120 अंक से अधिक लाना है कि नहीं लाना है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात इस वीडियो की, गौर से सुनिएगा, यूपी टेट जूनियर आप पास नहीं है तो टीजीटी आप नहीं दे सकते, यूपीटेट जूनियर आप पास नहीं है तो टीजीटी नहीं दे सकते हैं। नई शिक्षा नीति ने एकदम खुलेआम कह दिया है, इसलिए आप टीजीटी की परीक्षा देना चाहते हैं तो जूनियर टेट पास कर लीजिए। हो सकता है बहुत सारे लोग पास लिए, उनका वैधता समाप्त हो गई हो, इसलिए कृपया आप यूपीटेट जरूर पास कर लीजिए, क्योंकि आगे नई शिक्षा नीति में यूपीटेट की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। तो मित्रों, लगभग सारी बातचीत हो गई, सारे पहलुओं पर बातचीत हो गई है, अब बस आपका इंतजार है, आपके मैसेजेस का इंतजार है, और फिर आपसे मुलाकात होगी सीधा क्लास में। ठीक है, तो ये नंबर फिर से नोट कर लीजिए, 83 82 96 67 79। इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है यूपीटेट एंट्री लिखकर, और मैं अपनी संस्था और अपने एक्सपीरियंस के द्वारा यह कहता हूं कि जितने भी छात्र हमारे यहां प्रवेश लेंगे, निश्चित तौर पर अगर वो मेरे साथ लगकर पढ़ेंगे, हमारे अध्यापकों के गाइडेंस में पढ़ेंगे, हमारे नोट्स को पढ़ेंगे, हमारे टेस्ट सीरीज को करेंगे, तो मेरा वादा है कि हर छात्र 120 से प्लस अंक पाएगा, ये वादा है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, बाकी जो आपकी कोई भी समस्या है, कुछ भी जानकारी चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स में आके आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।